ओम भक्तों के महाकाय सर्व कोटि सर्वभवा देवदत्त करीबन पूर्व में दिन सर्व कार्यों सर्वदा ओम सर्व मंदल मानिए शिव सर्वार साधी के शरण में कम के मोदी नारायण प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन से मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर चित्रा कोहली जी से हमारे उपाध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री जी से कि कृपया दीप प्रज्वलन बनस्थली विद्यापीठ का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए सभी सहभागियों का हार्दिक स्वागत करती है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सभी इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में साथ में हैं और इस प्रोग्राम में मुझे बताया गया है कि 48 रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो काफ़ी अच्छी बात है और ये जो थीम पर एक्टिविटी हो रहा है ये पूरे भारत में अब तक इस थीम पर एक हफ्ते का एक्टिविटी आज तक नहीं हुआ तो ये नई शुरुआत है और उसके साथ दूसरी चीज़ जो इससे बढ़ के है वो ये है कि इसका जो थीम है मैनेजिंग मनी फॉर हैप्पी फैमिली द भारतीय वे क्योंकि कहीं हमको लग रहा है कि ये धन की जो दौड़ है उसमें हम भारतीयता जो है उसको कहीं होते जा रहे हैं इस के जो शुभारंभ कार्यक्रम है उसमें इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था कि हमारे साथ में चित्रा जी और सिद्धार्थ भैया दोनों हैं और आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं जी से निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें शांति का अनुभव नहीं करता
वो चाहता तो क्या है, केवल एक ही उद्देश्य, हमारा एक ही उद्देश्य कि हम शांति या प्रसन्नता का अनुभव करें और हमारा परिवार भी प्रसन्न हो, हम भी प्रसन्न हो, और इसी दृष्टि से हम उस पैसे का अर्जन करते हैं। पैसे का अर्जन करें, लेकिन पैसे का अर्जन किन तरीकों से करते हैं कि आप देखते हैं क्योंकि अपनी असीमित इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए आदमी ये प्रकार पैसा कमाने की कोशिश में लगा रहता है। अब इससे क्या होता है, तनाव होता है, इससे क्या होगा प्रतिस्पर्धा होती है, और इससे क्या होगा समाज के अंदर आदमी असंतोष का अनुभव करेगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ जिससे मेरी बात शायद ज़्यादा अच्छे से समझ सके, और भारतीय पर्सपेक्टिव क्या है इसके साथ साथ दिखे, हालांकि मैं इसको अलग से फिर आपको बताऊँगी। आप ये जो स्थिति देख रहे हैं हिंदुस्तान में तो है, लेकिन ये कम से कम पश्चिम में तो और भी ज़्यादा दिखाई देती है। आप ये देखिए कि एक बार आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, उन्होंने धर्म संबंध सम्मेलन में शिरकत की थी, धोती कुर्ता साफा उनके अंदर एंटर होते ही सबके मन में एक अलग भाव था, कोई बहुत अच्छा भाव नहीं था, लेकिन उनका जो संबोधन था वही सबको मन की मुक्त कर गया। उनका संबोधन था My brothers and sisters of the world, विश्व बंधुत्व वसुदेव कुटुंबकम का भाव केवल इससे दिया। देखिए सारे एक साथ खड़े हुए और तालियां बजने लगी, तो आप ये देखिए कि भारत की संस्कृति क्या है, इसकी झलक थोड़ी सी आपको दिखाई देती है। उसके बाद जमुरुख की तरह उनके आगे पीछे लोग घूमने लगे, बहुत से रामकृष्ण परमहंस के मिशन भी गए, और वो भूलना भी इस बात का संकेत है कि आज जिस तरीके से वो कमा रहे हैं और पैसा अर्जित कर रहे हैं उससे उनको संतोष नहीं है, संतोष हासिल करने के लिए भारत की ओर उन्मुख है। विवेकानंद जी ने जो कुछ कहा उसके केवल एक दो शब्दों में हिसाब बताती हूँ आपको, उससे भारतीय दृष्टि दिखेगी, उसके बाद फिर दो एक चीज बता के फिर मैं भारत की दृष्टि को रखूंगा। उन्होंने कहा कि भारत और पश्चिम के जन्म क्या अंतर है, और बड़े बहुत सरल तरीके से उन्होंने कहा कि पश्चिम में लोग क्या कहते हैं, मैन इज अ बॉडी, वो शरीर है, शरीर होने से भौतिक समृद्धि के लिए भागता है, और उसके लिए ये केन प्रकार गलत सही तरीकों से पैसे इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा भी करें पर गलत तरीकों से करता है। भारत क्या कहता है, भारत कहता है मैन इज सोल, मनुष्य आत्मा है, इससे क्या होगा उसका भावार्थ है मनुष्य स्नेह प्यार सहयोग और सच्चे तरीके से जीवन को बिताना चाहता है, सच्चे तरीके से काम करना चाहता है। ये एक छोटा सा मैसेज उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी उसमें देखा था। मैं ये तो थोड़ा पुराना हो गया, थोड़े दो आज के उदाहरण आपको देती हूँ। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, हेनरी फोर्ड फोर्ड कार के मालिक अरबपति, उनके बेटे का बेटा, उसका नाम मुझे याद नहीं इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, होता इस असीम संपत्ति जो अनेक तरीकों से ये प्रकार की कमाई हुई उसको असंतोष अनुभव कर रहा था, और उसको वो जीवन शरीर भर नहीं आ रही थी, वो भागता हुआ हिंदुस्तान आ गया। अब हिंदुस्तान आ गया तो वो लोग बड़े परेशान, उनका फादर उनके मदर ये कहें कि अरे भाई
पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया, संन्यास को भी ले लिया कि जंगल में तो भी चला गया, बहुत परेशान। वे भारत आए और भारत आके उन्होंने कलकत्ते में बच्चा बनाया रहा था, वहाँ गए, वहाँ उसको देखते ही मैं खुद अभिभूत उसके बात को सुनकर और वो लोग भी परम प्रसन्न। वो बच्चा सुबह जल्दी उठ जाता 5 बजे, बच्चा मुझे थोड़ी उम्र का था, हल्का तो काफ़ी बड़े होते हैं 5-10 साल के, 5-7 साल के लिए बात है। सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के और देखिए धोती कुर्ता पहन के खूब ध्यान करता, उसके बाद नाम जप भजन पूजा पाठ 2 बजे, और उसके बाद जम करके अपने बिजनेस का काम करता और उसी शांति का अनुभव करता, क्योंकि जो काम करता वो भी सत्य के रास्ते से था, सही रास्ते से था। और दूसरी तरफ जो एक कील, जो एक लोह थी ईश्वर प्राप्त की, वह भी थी। तो देखिए मैं उसका एक पढ़कर उसको पेपर की कटिंग को मैंने रखा था, पता नहीं कहाँ रखी हुई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी झलक भारतीय संस्कृति के लिए आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के लिए। फिर एक और बताती हूँ जो अभी का ही है, कम से कम 5-1 दिन पहले की बात है। मेरी बेटी जकार्ता में है, तो उसने एक मोबाइल पर ऑडियो वीडियो भेजा। हम दोनों के बीच संवाद जो होता है सामान्यतया वो केवल यही होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या प्रगति हो रही, क्या करना है, ऐसा ही होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। उस वीडियो को मैंने देखा तो मैं आनंद में अभिभूत थी। वो शायद अमेरिका का था मेरे ख्याल से, किसी स्कॉन टेम्पल का था, उसमें कुछ विदेशी व्यक्ति, कुछ विदेशी परिवार, स्त्री पुरुष बच्चे सब, पुरुषों ने धोती कुर्ता पहन रखा था, स्त्रियों ने साड़ी पहन रखी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको के मन में है कि शायद हिंदू संस्कृति को क्या बनाए तभी आनंद मिल सकता, सिर भी भटक चुका था, बच्चे उछल रहे थे और सब कीर्तन कर रहे थे, हरे राम हरे कृष्णा, और प्रेमानंद में प्रेम के आनंद में मग्न थे। उसको देख के मैं अभिभूत थी। वो दिन में सब अपना काम करते, बिजनेस का काम करते, व्यापार का करते, जहाँ भी पैसा भी कमाते, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाते, पर भारतीय दृष्टि से सत्य के रास्ते पर चलकर, सही रास्ते पर चलकर। और आप देखिए कितने आनंद में मग्न है कि वो घंटों उस इस्कॉन टेम्पल के अंदर कैसे ही प्रेम से, वो कृष्ण और राधा की मूर्ति थी, कृष्ण को फूलों से सजा रहे थे, ये हमारा भक्ति मार्ग है जिसको कर रहे थे। तो इस तरह 2-3 आपको उदाहरण दिए जिसमें थोड़ी झलक आपको मिली होगी। अब भारत की दृष्टि क्या है, दरअसल में मैं कोई मनीषी नहीं हूँ, मैंने पढ़ा ये सत्य है, मैंने कुछ पुराण भी पढ़े, गीता भी पढ़ी, कुछ वेद का पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस कितना, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ ये मेरी दृष्टि है। मैं नहीं कहती कि दृष्टि सही है, क्योंकि मनुष्यों की दृष्टि वो बड़ी सही हो सकती। भारत की दृष्टि को अगर हम देखें तो वो आध्यात्मिक दृष्टि है। भारत की दृष्टि को देखें तो उसमें जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को बहुत उदात्त लिया है, धर्म का मतलब आज जैसा नहीं जो आप पाती हैं, आज जैसा नहीं जो संकीर्णता लिए हुए है, जिसमें मुस्लिम नहीं आ रहा, हिंदू नहीं आ रहा, झगड़े, ये सब कुछ नहीं है। धर्म बहुत उदात्त था, आपको जान के आश्चर्य होगा कितने ही मुसलमान इतने प्रेम से शक्ति का कृष्ण का भजन करते हैं और प्रेम से रहते, ऐसा नहीं था। धर्म को 2 दृष्टि से लिया, एक तो लिया कर्तव्य की दृष्टि से, ये शायद जान के आपको आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कभी ये नहीं कहा मेरे अधिकार क्या है, केवल ये कहा कि पोटली में आप पढ़िए, तो पोटली पढ़े तो आपको बताया गया
राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, वहां कोषाध्यक्ष जो कुछ भी होते थे उन सबके धर्म क्या है, यानी उनके क्या करते हो, क्या करते हो, तेरे धर्म अधिकार तो मिलते चले जाएंगे। और आज उनके यहाँ क्या है, पश्चिम की देन है, हम केवल अधिकारों के चिल्लाते, इसी जैसे विवश होता है। यदि क्यों करते हो की बात करें तो अधिकार तो मिलेंगे, राजा अगर अपना कर्तव्य करेगा तो दूसरे उसका सम्मान करेंगे, उनका कर्तव्य हुआ। तो ये एक बात है। लेकिन धर्म का दूसरा अर्थ जो मैं समझी हूँ, ईश्वर में आस्था। और ईश्वर में आस्था रखने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने में आत्म तत्व, अपने में जो ईश्वर है उसका अनुभव, ये देखें दूसरे में भी ईश्वर है। जितने समाज में व्यक्ति हैं सब में ईश्वर है। इसका नतीजा क्या होगा, अगर कोई सच्चा धर्म का समर्थक है, यदि वो सचमुच में धर्म में आस्था रखता है, तो प्रेम सेवा सहयोग विश्व बंधु के भाव ही आएंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जोड़ के कहूँगी, विवेकानंद जी ने एक बार कहा कि भाई अगर मुझसे कोई कितना भी आलोचना कर दे, विग्रहित कर दे और ना बोलना चाहे, घृणा करना चाहे, पर मैं उससे बात करूंगा, एक बार करूंगा, वो नहीं बोलेगा दोबारा करूंगा, तिबारा करूंगा, देखिए उसके बाद वो प्रेम करने लग जाएगा। उनका कहना है अगर सचमुच धर्म को मानते हैं तो प्रेम सहयोग सेवा और उसके साथ ही विश्व बंधुत्व का भाव आपने आप सबके लिए कुछ करना चाहेंगे, बस देव गुरुओं का भाव होगा। इस तरह धर्म उदार है, वो हमें सिखाता है कि जीवन के सब काम कीजिए। अर्थ आपको कहता है आप जो कमाना चाहें करें, जो व्यवसाय करना चाहें करें, लेकिन उचित करें। मीन्स क्या होना चाहिए, साधन क्या होना चाहिए, पर इसके साथ कुछ अंश अवश्य रखे। दान का मतलब पुजारी पढ़ने से नहीं है, दान का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम की बात की, सबको अपना परिवार मानते, जो असहाय हो, जो गरीब हो, जो कहना चाहिए कि निर्बल हो, उनकी सहायता करें। और मैं आपको सच कहती हूँ, अगर आपने 100 रुपया भी कम से कम कहीं 1000 रुपया क्योंकि किसी ने ऐसे में खर्च किया तो आपके मन में कितना आनंद आए, आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो आप जो विनियोग करें उसमें ध्यान रखें कि आपका तरीका वसुदेव कुटुंबकम का हो, ये दृष्टि हो, कमाए ये दृष्टि हो, ये दृष्टि होनी चाहिए कि उचित तरीकों से करें, ये प्रकारें हो और आपके अंदर आपकी आवश्यकताएं अनलिमिटेड असीम न हो, क्योंकि असीम होगी तो आप पूरी करने के लिए सही तरीके न अपना कर, सही तरीके अपनाए तो फिर कुछ नहीं है, कितना भी पैसा संचित करें, पर गलत तरीकों से अपनाने की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि धर्म भी आपको प्रेम सेवा सहयोग का भाव बताता है, उसके साथ अर्थ भी आपको कहता है वसुदेव कुटुंबकम की बात, पैसा अर्जित कीजिए, कितना भी कीजिए, सही तरीके से कीजिए और उसका खर्च इस तरह से कीजिए कि आप समाज के कल्याण, समाज के भले के लिए करें। और अंतिम लक्ष्य मोक्ष। अब आप कहेंगे मोक्ष क्या है, ये परमानंद की स्थिति है, बहुत आनंद की स्थिति है। जब आप मोक्ष का अनुभव करें, मोक्ष का मतलब क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्व की प्राप्ति। स्व की प्राप्ति से क्या मतलब है, आप में एक ईश्वर का अंश है, आप उस अंश को प्राप्त करने में प्रयत्नशील है और जैसे ही मिलता है वो परमानंद की स्थिति है। इतने आनंद की स्थिति है जिसका वर्णन मनुष्यों ने किया है और उसके लहर में डूब करके आप आनंद में पहुंचेंगे। अब इसको प्राप्त करने का क्या तरीका हुआ, ये एक जो कि वेद के अंदर लिखा हुआ है उसके अनुसार रखते थे, जो कहा गया एको देव सर्वभूतेषु भूतं सर्वव्यापी सर्व अंतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी केवल
चेतनो निर्गुणश्च, आप में ईश्वर का अंश है, विश्व की चेतना में ईश्वर का अंश है, सब व्यक्तियों में ईश्वर का अंश है, और वह कैसा है, साक्षी है। वो आप गलत करें तो भी देख रहा है, आप गलत ढंग से रुपये का अर्जन कर रहे हो देख रहा है, आपने अच्छे तरीके से कमाया और देख रहा, उसका फल आपको जरूर देगा, कभी भी मिलेगा पर फल मिलेगा, और वह क्या है, निर्गुण है। ये हमारे जो ईश्वर की कल्पना है वो एक कल्पना है। अब इसको प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रयत्नशील हैं, और तब परमानंद की प्राप्ति होती। कैसे प्राप्त किया जाए, ये नहीं कि आपको जंगल में बैठ करके बैठ जाए तो प्राप्त हो, इसके अनेक तरीके, और उन तरीकों के साथ आप अपना काम करते चले जाए। भक्ति मार्ग सत्ता जिसमें बह जाए, जो मैंने आपको कीर्तन बताया था वो भक्ति मार्ग ही है। आप भक्ति के रस में डूब करके तब क्या होगा, सद्गुण सारे आते जाएंगे, और जितने आपने सद्गुण आए हैं उतना ही जल्दी आप ईश्वर के निकट होंगे, और वो आपको तुरंत दर्शन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पॉल मेंटर की बात नहीं लगाई थी, मैं बताती हूँ, वो भी इस तरह से वहाँ बहुत ही अमेरिका में परेशान थे, तड़प रहे थे, वो भागते हुए कहाँ जाऊँ, कैसे शांति मिले, कौन मिले, उन्होंने क्या किया कि रात को सोए, फिर आप में ईश्वर का तत्व है वो तो आगे बढ़ा नहीं चाहता, तो भ्रमण महर्षि के दर्शन हुए, ये कौन है, पर धोती देख के समझिए हिंदुस्तान का, भागते हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान का है, तो हिंदुस्तान में घूमते रहे घूमते रहे, उस पर पहुँचाना था ईश्वर को, समझ पहुँच गए, वहाँ पहुँचे जाते हैं क्या, पहाड़ पर चढ़े, धूप गर्मी नाराज होते हुए, आई विल नेवर कम, महर्षि ने कहा पहला सेंटर था कि यू विल कम, और देखिए उनको केवल ये कहा कि उसको देखिए, और उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने किताब भी लिखी है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ईश्वर किसी भी मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग हो जिसमें आप बहुत सरलता से कह सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, साथ में जीवन के सब काम कर सकते हैं, पर उचित साधन के साथ करें, वो बेहतरीन नदी है, बहुत सरल है, और आप ये देखते हैं कि ये करीब करीब सभी लोग अनुभव करते हैं, और आपने अनेक उदाहरण देखे। दूसरा मार्ग हो सकता है कर्म मार्ग, कर्मयोग, जिसको कि गीता में पढ़ते हैं, गीता में कृष्ण ने 11वें अध्याय में आप देखिए सब तरीके बताए, भाई तुम ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, सब काम करते चलो, काम करते हो अनासक्त भाव से, सब काम करो, पैसा भी अर्जन करो, अन्याय के खिलाफ भी खड़ा हो, जो करना है करो, लेकिन अनासक्त भाव से, ये नहीं कर सकते छोड़ो। दूसरा करो, और जिनको कहते हैं कर्म फल की प्राप्ति मत की इच्छा मत करो और करते जाओ, ये भी नहीं कर सकते चलो कुछ भी नहीं सब करते रहो, लेकिन मम्मी के शरण में सब कुछ मेरे को समर्पित कर दो तो तुम्हारा किया हुआ सब सही है। तो आप ये देखिए दूसरी कर्मयोग का तरीका है, आप ये कर सकते हैं संसार के सब काम कीजिए, गलत तरीके से नहीं सही तरीके से पैसा भी कमाएगी, आप खर्च भी कीजिए, और देखिए आप परिवार और आप आनंद का अनुभव निश्चित रूप से करेंगे अगर सब लोग करते हैं। और तरीका हो सकता है जिसमें थोड़ा कठिन है, ज्ञान योग का तरीका भी है और ध्यान का तरीका है, जो कि निर्गुण अवस्था की ओर ले जाने वाला है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक बात को कठिन कितना ही हूँ तो ध्यान कीजिए उसमें, आप मैं ये नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ, सब सोचते हुए पहुँचे हुए मैं जो कि पॉल करने को कहा था, लेकिन मैं एक बात आपको कहती हूँ कि ध्यान योग के और कोई फायदे हुए हैं नहीं, ईश्वर की प्राप्ति हुए हैं नहीं, पर ध्यान से जो अगर मैं हर बच्चों को कहती हूँ स्टूडेंट को कि तुम ध्यान जरूर करो, 5 मिनट चाहे 10 मिनट को पता नहीं करो, 1 घंटा 2 घंटा जैसा तुम्हें टाइम नहीं तो 10 मिनट करो, इससे क्या होगा कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, इससे क्या होगा बाहरी ऊर्जा आप में आएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको प्राप्त करके हमेशा सकारात्मक विचार ही करेंगे। तो ये तरीका भी है, ये थोड़ी कठिन राह है, काफ़ी समय तक चलना पड़ता है, बड़े धैर्य के साथ चलना पड़ता है, मिलता है, तो ये सब तरीके हमारे धर्म में बताए हैं, और बाकी
के पास निधिध्यासन समाधि पर पहुँचते समाधि हुई मोक्ष के लिए। तो मेरे कहने का मतलब सार ही है कि आप अगर आध्यात्मिक दृष्टि को लेते हैं, अगर भारतीय दृष्टि को लेते हैं, जैसा आपने देखा कि सब लोग भाग रहे हैं भारत, आप देखिए कितने रामकृष्ण मिश्रम के सेंटर खुल गए, कितने हरे राम हरे कृष्ण के सेंटर, जहाँ जाए आप जगन्नाथ जाए, आप यूरोप में जाए, कहीं भी जाए, क्यों? क्योंकि लोग शांति चाह रहे हैं, चूंकि वो गलत तरीकों से पैसा कमा रहे तो चाह रहे हैं। भारत की दृष्टि यही है कि आप असीमित इच्छाएं रखें और सही तरीके से अपने पैसे का उपयोग करें, कमाएं, एक रुपया कमाएं, सौ रुपया कमाएं, लाख कमाएं, वो बात दूसरी, लेकिन कैसा कमाएं उसको समाज कल्याण के लिए भी रखें, विश्व बंधुत्व के लिए रखें, या यूँ कहिए कि वस्तु उनका की बात को ध्यान रखें। आप देखिए आनंद ही आनंद है, तो सबसे अच्छा तरीका गीता का है, सब करते हो करते चलो और भी अनासक भाव से करो, या फिर फल की आशा छोड़ो और देखिए सब काम करते चलो पर आपको असीम शांति। मैं थोड़ा सा जानती थी आपके सामने रखा, वैसे मैं नहीं मानती कि मैं इसके लिए बहुत सही व्यक्ति हूँ, क्योंकि इसको बोलने वाला कोई मनीषी होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन जितना सब पढ़ा है जिसके आधार पर मैं समझती हूँ आपके सामने। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने मुझे बात
पूछा आपके पास क्या कमी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, दे हैव एवरीथिंग बट दे हैव नथिंग। आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स की बहुत बात चल रही है, पहले माना जा रहा था कि जितनी आपकी पर कैपिटा इनकम होगी जितनी ज्यादा उतने ही आप प्रसन्न हैं, उतने ही आप प्रॉस्पर हैं, उतने ही आप हैप्पी हैं। पर हैप्पीनेस जो है वो इससे सीधी जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जहां इतनी ऊंची पर कैपिटा इनकम है वहां दे आर टॉकिंग ऑफ हैप्पीनेस, दे शुड बी हैप्पी बट दे आर नॉट। तो हैप्पीनेस को डिटरमिन करने वाले कई दूसरे फैक्टर्स हैं एंड मनी इज नॉट द ओनली वन। जब मैंने कहा कि लेस यू हैव लेस इज द मैनेजमेंट प्रॉब्लम, तो अरुण जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुख्य सवाल है धर्म का। और जी ने भी कहा कि अगर सही तरीकों से आपने अपनी कमाई है तो आपका प्रसन्नता का स्तर ऊंचा होगा, बनेगा आपके पास कम होगा आमदनी। अर्थशास्त्र में अगर इनकम की परिभाषा को देखा जाए, आपको जो कुछ भी मिल रहा है दैट इज नॉट इनकम इन इकोनॉमिक्स। इनकम की डेफिनेशन ये है कि व्हाट यू गेट एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एफर्ट। ईमानदारी की कमाई का मतलब यही कि जितने आपने मेहनत की है, जितना आपने प्रयत्न किया है, उसके हिसाब से आपको जो मिल रहा है दैट इज इनकम। इनकम इज एन अर्न्ड कंसेप्ट, इट इज नॉट द रिसीव्ड कंसेप्ट। व्हाट यू रिसीव इज नॉट इनकम, व्हाट यू अर्न इज इनकम। अर्न मींस यू मेक एन कॉरेस्पॉन्डिंग एफर्ट। तो एक तरह से इसमें भी कहीं धर्म को छुपा हुआ है कि मतलब बिना मेहनत के जो आपको मिल रहा है दैट इज नॉट इनकम, इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एक बहुत ही बड़े भारतीय अर्थशास्त्री हुए हैं, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, उनका नाम था जेके मेहता। उन्होंने जो है वो अर्थशास्त्र को बिल्कुल ही एक दूसरी दिशा दी थी, देने की कोशिश की थी, बहुत अलग तरह से परिभाषा की है लोगों ने। और उन्होंने परिभाषा जो दी थी उसे कहते हैं the wantlessness definition। कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य wantlessness की स्थिति पर जाने का है। wantlessness का मतलब है to minimize your requirements। जीजी ने एक किस्सा सुनाया था, मैं भी एक बड़ा सिकंदर का। एक बार सिकंदर जो है वो घोड़े पर बैठ कर अपने लड़ाई लड़ने जा रहे थे, तो उनको सामने जो है वो एक फकीर थे, बिल्कुल दिखा दिए फटे कपड़ों में। उनको जाते देखा तो जोर से ठाकर लगा के हंसे। सिकंदर का ऐसा उत्पाद था कि कोई नजर उठा के नहीं देखता था। सिकंदर ने अपना घोड़ा रोका और मुड़ के उसकी तरफ आए, कैसे हंसे तुम? बोला आप वहां जा रहे हैं कि मैं लड़ने जा रहा हूं। लड़के क्या करोगे? मैं जीत जाऊंगा, मेरे साम्राज्य को बढ़ाऊंगा, उससे क्या होगा? तो बोले कि मैं बड़ा मेरा साम्राज्य होगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। फिर जोर का ठाकर आया तो अब क्यों हंसे तुम? बोले मैं तो पहले खुश हूं। मैं पहले ही खुश हूं, तुम इतने प्रयास के बाद खुश हो गए। तो ये वॉन्टलेसनेस की डेफिनेशन को समर्थन नहीं मिला। दूसरा, इकोनॉमिक्स में एक दो ऐसे कर्व हैं जो भी ये दर्शाते हैं कि एक मर्यादा के बाद एक लिमिट के बाद इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एक
लेबर का सप्लाई क्या होता है, इसको बैकवर्ड शोरूम सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है एक तरफ आप इनकम ले रहे हैं और एक तरफ लेबर आवर्स ले रहे हैं, तो जितना आप एफर्ट करें उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। पर एक लेवल के बाद क्या है, उसका इनकम ज्यादा ज्यादा वो क्या होता है, यो क्या होता है कि भाई बहुत थक गए, बहुत कर लिया, आई वॉन्ट ले रहे हैं, I want to use this money that I want. I mean, problem kya hai? I have so much money, but no time to use it. I have such a beautiful house, but I have no time to live in. मैं रहता ही नहीं घर पे। The corporate life कैसी हो रही है सुबह आप निकल गए। तो एक limit के बाद जो है, एक व्यक्ति को income नहीं चाहिए, it requires leisure. Utility का अवसर हम परिचित हैं। The economics basically that more you have, more is your satisfaction. Consumption is a function of goods and services that you have. But वहाँ पर भी आप जाके एक जगह जाके वो नीचे नहीं जाता है कि when you use more than the limit, then your utility can start declines. So सब्जी जी ने कहा मैं इतना ही कहना था, there is blind race and money and the happiness is not proportionally related to what you have, what is your income, but it has significant, up to 10 point it is important, but beyond the point it's not important, and it's also important how you earn it. So I wish all the success FDP program, and I think it will be very beneficial for all the participants. Thank you. और हम सब यहाँ पर फिर से